मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3, द टाइगर्स विश्कर. इन दिस चैप्टर क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वी ऑलरेडी डन. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फोर्थ. व्हाट डिड सी वॉन्ट, व्हाट डिड सी वॉन्ट द हर्मिट टू डू फॉर हर. जैसे कि यूनोक हर्मित के पास जाती है, तो फिर वो जो है क्या चाहती है कि हर्मित उसके लिए क्या करे. नाउ द आंसर इज सी वॉन्टेड हर, सी वॉन्टेड हर्मित टू मेक अ पोशन. सी वॉन्टेड हर्मित मेक अ पोशन. पोशन मीन्स होता है लिक्विड, मैजिक लिक्विड फॉर हर हस्बैंड. तो वो जो है क्या चाहती है कि हर्मित जो है उसके हस्बैंड के लिए एक ऐसा पोशन तैयार करे, मैजिक पोशन तैयार करे, लिक्विड तैयार करे, जिससे कि उसका हस्बैंड जो है पहले जैसे हो जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. व्हाट डिड द हर्मित से सी, व्हाट डिड द हर्मित से ही नीडेड टू मेक अ पोशन. अब हर्मित जो है यूनोक से क्या कहते हैं कि उसे वो पोशन बनाने के लिए क्या चाहिए. यस, द आंसर इज द हर्मित सैड, द हर्मित सैड ही नीडेड द विश्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर. हर्मित क्या कहता है यूनोक को कि उसे जो है लिविंग टाइगर की विश्कर चाहिए उसे पोशन बनाने के लिए. उसके लिए जो है पोशन बनाने के लिए हर्मित को क्या चाहिए, लिविंग टाइगर की विश्कर उसे चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. व्हाई डिड यूनोक गो टू, व्हाई डिड यूनोक गो टू गेट अ लिविंग टाइगर्स विस्कर. यस, द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई हेयर, वेहर. वेहर डिड यूनोक गो टू गेट अ लिविंग टाइगर्स विस्कर. तो जो है यूनोक लिविंग टाइगर की विस्कर लेने के लिए कहाँ जाती है. सी वेंट टू अ माउंटेन केव वेहर अ टाइगर लिव्ड. सी वेंट टू अ माउंटेन केव. माउंटेन केव यानी कि पहाड़ी गुफा में जाती है जहां पे एक जो है टाइगर रहता है. वेहर अ टाइगर लिव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन. वाई, सॉरी, हाउ वॉज यूनोक एबल टू विन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस. टाइगर्स कॉन्फिडेंस यानी कि वो टाइगर से जो है बिल्कुल क्लोज कैसे हो जाती है, टाइगर का जो है कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास कैसे जीत लेती है. हाउ वॉज यूनोक एबल टू विन टाइगर्स कॉन्फिडेंस. टाइगर्स कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो टाइगर का विश्वास कैसे जीत लेती है. इट वॉज थ्रू लव एंड पेशेंस. ये किसके उस पे बेस पे जो पॉसिबल होता है. इट वॉज थ्रू लव एंड पेशेंस दैट सी वॉन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस. ये जो है प्यार और धैर्य से जो है टाइगर का कॉन्फिडेंस, टाइगर का विश्वास जो है जीत लेती है. व्हाट डिड द हर्मिट डू विद द टाइगर्स विस्कर. हर्मित ने जो है, जब यूनोक जो है लिविंग टाइगर की विस्कर ले आती है, तो हर्मित उससे जो है उस टाइगर विस्कर का क्या करता है. ही ड्रॉप्ड इट इन टू द फायर. ही ड्रॉप्ड इट इन टू द फायर. हर्मित क्या करता है कि जैसे यूनोक जो है टाइगर विस्कर लेकर आती है, तो उसे वहां कॉटेज में, हट में जो आग जल रही है उसमें उसको डाल देता है. ही ड्रॉप्ड इट इन टू द फायर. उसे उसने जो है आग में डाल दिया. व्हाट फैक्ट डिड द हर्मिट मेक यूनोक रियलाइज्ड. अब यहां देखो, व्हाट फैक्ट, ऐसा कौन सा मतलब कि फैक्ट था जो हर्मिट ने जो है यूनोक को रियलाइज करवाया. तो कौन सा ऐसा जो है फैक्ट है जिसे हर्मित ने यूनोक को रियलाइज करवाना चाहता था या करवाया. द हर्मित मेड हर रियलाइज दैट. हर्मित ने उसे ये रियलाइज करवाया दैट देयर देयर इज नन, देयर इज नन वी कांट विन थ्रू लव एंड पेशेंस. कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है अर्थ पे हेयर
यानी देयर इज नन, वी कांट विन, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे हम जीत नहीं सकते थ्रू लव एंड पेशेंस, प्यार और धैर्य से जो है हम जीत नहीं सकते, ऐसा जो है यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी कि लव एंड पेशेंस के थ्रू हम जो है सब कुछ जो है विन कर सकते हैं, सब कुछ जो है पॉसिबल कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यस यस, लेट्स सी बुक एक्सरसाइज थर्ड। द फॉलोइंग सेंटेंसेज टेल हाउ यू नो गॉट द टाइगर्स विस्कर, बट द सेंटेंसेज आर नॉट इन राइट ऑर्डर, मार्क द राइट ऑर्डर फॉर ईच सेंटेंसेज। जैसे ये सेंटेंसेज दिए हुए हैं तो दीज आर नॉट इन अ राइट ऑर्डर, कि यूनोक ने जो है कैसे टाइगर विस्कर जो है वहां से लेकर आती है, कैसे ये जो है पॉसिबल हुआ, तो इसके लिए हमें इनको राइट ऑर्डर में जो है, जैसे यहाँ पे वी कैन राइट पुट हेयर नंबर्स फॉर द राइट ऑर्डर। यस, बट द टाइगर डिड नॉट मूव इट्स प्लेस, यू नो क्रेस्ट द टाइगर्स हैड बाय जेंटली, सी आज द टाइगर फॉर वन ऑफ इट्स विस्कर, एवरी नाइट सी वेंट क्लोजर एंड क्लोजर टू द टाइगर्स केव, वन नाइट द टाइगर एट द फूड एंड दैट यूनोक हैड ब्रॉट, यूनोक वेंट टू द माउंटेन केव विद द बाउल ऑफ फूड फॉर द टाइगर। यस, इट्स फर्स्ट, यस, इसे हम फर्स्ट जो है सेंटेंस फर्स्ट मार्क कर देंगे यहाँ पे वन, तो फर्स्ट पे ये आएगा, जैसे यूनोक वेंट टू द माउंटेन केव विद अ बाउल ऑफ फूड फॉर द टाइगर, और सेकंड पे फिर ये आ जाएगा बट द टाइगर डिडंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, एंड आफ्टर देन एवरी नाइट सी वेंट क्लोजर एंड क्लोजर द टाइगर्स केव, देन वन नाइट द टाइगर एट द फूड दैट यूनोक हैड ब्रॉट, एंड आफ्टर दैट यूनोक क्रेस्ट द टाइगर्स हैड वेरी जेंटली, एंड द लास्ट वन सी आज द टाइगर फॉर वन ऑफ इट्स विस्कर। यस, हां जी बेटा, लाइक दिस ऑर्डर यू विल राइट द नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड पावर। इन वर्ड पावर फाइंड फ्रॉम द बॉक्स द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट इज दिस पर्सन फ्लाइज एरोप्लेन्स। यस, द ऑप्शंस आर पायलट, जर्नलिस्ट, फार्मर, हर्मिट, इंजीनियर, डेंटिस्ट, आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर। देन द फर्स्ट आंसर इज दिस पर्सन फ्लाइज एरोप्लेन। हु फ्लाइज एरोप्लेन? पायलट। दिस पर्सन लुक्स आफ्टर अवर टीथ। हु लुक्स आफ्टर अवर टीथ? डेंटिस्ट। दिस पर्सन मेक्स ब्यूटिफुल थिंग्स। हु मेक्स ब्यूटिफुल थिंग्स? यस, आर्टिस्ट। दिस पर्सन डिजाइन्स रोड्स एंड ब्रिजेस। हु डिजाइन्स रोड्स एंड ब्रिजेस? इंजीनियर। यस, इंजीनियर्स डिजाइन्स रोड्स एंड ब्रिजेस। नाउ फिफ्थ इज दिस पर्सन ग्रोज फूड एंड रेज एनिमल्स। हु ग्रोज फूड एंड रेज एनिमल्स? फार्मर। दिस पर्सन ट्रेन्स पीपल इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। यस, हु ट्रेन्ड द पीपल इन द आर्ट ऑफ डांसिंग? यस, कोरियोग्राफर। नाउ नेक्स्ट, दिस पर्सन राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। दिस पर्सन लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ। हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ? हर्मिट। यस, हर्मिट लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, इसमें जैसे वर्ड पावर में सेकेंड
चूज फ्रॉम द बॉक्सेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. यस, ही यूज टू लव मी डियरली. डियरली का मीनिंग जैसे क्या होगा इसमें, लविंगली, हार्डली, वेरी मच. सो राइट ऑप्शन इज लविंगली. ही यूज टू लव मी लविंगली. टेक दिस पोशन डेली टू गेट वेल. यस, मेडिसिन. पोशन मीन्स मेडिसिन. आई एम फीलिंग अ ग्रेट डील बेटर नाउ. अ ग्रेट डील यानी मच मच बेटर नाउ. सी केम अ लिटल क्लोजर टू द टाइगर्स केव. क्लोजर मीन्स नियरर. क्लोजर मीन्स नियरर. यस, द टाइगर स्टूड इन द ट्रेल वेटिंग फॉर हर. हेयर ट्रेल मीन्स पाथ. यस, द राइट ऑप्शन इज पाथ. ओके बेटा, थैंक यू. डू दीज बुक एक्सरसाइज ऑफ वर्ड पावर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड रीड एंड फाइंड में से थर्ड बुक एक्सरसाइज यू विल डू इन योर बुक एंड राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटा, थैंक यू.